चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण वाले संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर सुनवाई की मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने 10% आरक्षण को देश भर में लागू करने पर रोक से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हम इस मुद्दे को की समीक्षा करेंगे। कोर्ट में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। ये याचिका यूथ फॉर इक्वालिटी सहित कई संगठन और लोगों ने दाखिल की है। याचिकाओं में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसे संसद के दोनों सदनों ने बतौर 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के तौर पर पारित किया था। याचिकाओं में संविधान के मूल ढांचे में बदलाव बताया गया है। इसके साथ ही इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सफल न करने की भी कोशिश का आरोप लगाया गया है।